ब्यूटीफुल डे, दिस इज मी कितने जरा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और पहला रोजा तो आपका बहुत अच्छा गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा भी बहुत अच्छा गया था तो मैं उम्मीद करूंगी आप सबको भी अच्छा ही गया होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मुझे अपने फ्रेंड के लिए कुछ स्कार्फ्स लेने थे तो मैंने असमपी को बोला कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और हम लोग जाएंगे रेडी, और असमपी भी हो चुकी है रेडी तो स्कार्फ लेने जा रही हूँ अपने फ्रेंड के लिए। देखते हैं मार्केट खुली होगी नहीं, वैसे होपफुली खुली होगी ना इस टाइम तो। ऑफ कोर्स खुली होगी भाई, रमजान है, रमजान है तो रमजान में हमारी मार्केट तो पूरी रात खुली रहती है भाई, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा जल्दी बंद हो जाती है। मिड रमजान से होता है कि बहुत रात तक खुली रहती है, कि पूरी रात तक स्टार्टिंग, हाँ अभी स्टार्टिंग है तो मतलब ये कि थोड़ा जल्दी बंद हो जाएगी। हाँ तो भाई चलते हैं, इतनी जल्दी बंद नहीं होगी कि 9 बजे मार्केट बंद हो जाए। हाँ हाँ 9 बजे तो ऐसे भी खुली रहती है। तो इस वक्त चलते हैं और असमपी हो चुके हैं यहाँ रेडी। हाँ अब बुरका बुरका पहन के, मैंने भी बुरका पहन दिया तो भाई निकलते हैं, मोहम्मद गेट लगा लो भाई, आ जाओ भाई चलते हैं। बहुत तस्लीम को बहुत गेट बंद करो और बड़े सुंदर सुंदर से कलर आपको दिखाते हैं स्कार्फ से। चलो प्यारे प्यारे से स्कार्फ लेके, बड़े सुंदर सुंदर कलर, बड़े प्यारे प्यारे कलर, और मार्केट में ना अभी थोड़ा सा कम था, मतलब लोग कम थे, वो इसलिए क्योंकि लोग तरावी पढ़ने जाते हैं ना मार्केट से, सब लोग मार्केट वाले तरावी पढ़ने चले जाते हैं तो जल्दी जल्दी बंद करके अपनी मार्केट अपनी शॉप्स को चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा कम रश था, वरना बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम तो रमज़ानों में। तो बस अब सहरी हो जाएगी तो मैं सहरी में मिलूंगी, मुलाकात करती हूँ आपसे, ठीक है? इतना मैं ना पढ़ लेती हूँ, मेरे एग्जाम है। ओके जी, नाउ इट्स सहरी टाइम। तो बस मैंने अपनी सहरी तैयार कर ली है, रोटी और रोटी कीमा आलू, और मैंने दही भी ले ली थी, दही भी मैं सोच रही हूँ आज मैं दही भी खा लूँ। वैसे यूजुअली हम जो है सहरी में लस्सी बनाया करते थे, लेकिन अभी मौसम कुछ ठीक नहीं है इस वजह से हम लोग नहीं बना रहे हैं, वरना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, मतलब खांसी वगैरह हो जाएगी, इस वजह से हम लोग जो है अभी फ़िलहाल में लस्सी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ दही, थोड़ा बहुत दही का ही यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो खा लेते हैं जल्दी से और फिर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी से उठना है कॉलेज के लिए, तो बस दुआ कीजिएगा कि एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। ठीक, चलिए भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, सहरी खा लेते हैं। The next day. Good morning everyone. तो मैं हो चुकी रेडी और बस अब मुझे निकलना है कॉलेज के लिए, और कसम से मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है मैं नहीं बता सकती, पता नहीं कैसे ही मैं जा पाऊँगी, बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत कम वक्त के लिए मैं सो पाई हूँ, रात में सहरी करके ही सोई थी। और आज मैं अपना ये बैग लेके जा रही हूँ जो मैं लेकर आई थी इराक से, करबला से लिया था मैंने ये बैग, और लिटरली मेरा ले जाने का सब बहुत मन था, तो मैंने सोचा मैं आज ले जाती हूँ एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में नोटबुक भी नहीं होती है, और फिर रमज़ान है, रमज़ान में पानी और लंच भी ले जाना था, तो मैं आज अपना ये बैग लेके जाऊँगी। ठीक है, तो बस चलते हैं हमारे साथ। ठीक, आज जा रहे थे पापा मुझे कॉलेज बस तक छोड़ने के लिए, और लिटरली आपकी बहन को इतना मज़ा आया ना आज, क्योंकि रोज़ डेली मैं रिक्शे से जाती जाती थक जाती हूँ, तो आज मैं पापा के साथ कार से गई थी, पापा अपनी कार जो है पार्क करने जा रहे थे, इसलिए मैं पापा खुदा के साथ। तो बस मैं आ गई थी कॉलेज और वॉशरूम आई थी स्कार्फ स्काफ ठीक करके, अब मैं थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद एग्जाम देंगे चले। और क्या बताने वाली थी भाई मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हमने पढ़ा कुछ कम है मैंने, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, तो बस देखते हैं कैसे एग्ज़ाम जाता है, लेट्स सी, बाद में मिलते हैं भाई एग्जाम के। आपके चलो भाई क्लास में चलते हैं, उसी क्लास में चले या कहीं और जाएंगे। टू आवर्स लेटर हम लोगों का एग्ज़ाम हो गया और बस हम लोग निकल गए, अब मैं कहीं जाकर बैठ कर आराम करूँगी, चलते हैं। तो
बस टाइम होता है ख़त्म और हम चले अपने घर। मौसम तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और बस हम यहाँ वेट कर रही हूँ मैं कि बस चले जल्दी से और मैं घर पहुँचूँ। भाई बारिश होने लगी है और पता है बस के अंदर भी पानी आ रहा था, पता नहीं कैसे मेरी साइड वाली बंदी तो मेरे ऊपर ही चढ़ी जा रही थी, पूरा पानी पानी हो गया था मेरे बराबर वाली सीट पर। सुहाना मौसम हो रहा है, बारिश का इतना मजेदार, बता रिक्शा कर लेते हैं जल्दी से चलते हैं। यहाँ लग रहा है बहुत बुरा वाला जाम और पता नहीं मैं इफ्तार के टाइम पे घर पहुँच भी पाऊँगी या नहीं, खुल जाए जल्दी यार। फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे और अब रोज़ा इफ्तार करूँगी, जल्दी से वक्त हो गया है रोज़े का। ठीक है, पूरे दिन आज तो कॉलेज में निकल गया है। बस मैं आ गई थी घर और जो है मैंने स्टार का शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा है मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में थी। किसी तरीके से वहाँ से निकली तो घर पहुँची और भाई बस आते के साथ ही टाइम हो गया था, टायर्ड लगी हुई थी, मैंने सोचा कि भाई खा लेते हैं, पहले शूट मैं नहीं करा था इसलिए। तो बस आपकी बहन जो है ब्लॉग को यहीं पे एंड करती है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, आज के दिन मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा हैक्टिक रहा है, बहुत ज़्यादा थक गई थी, सर में दर्द हो गया था मेरे। वैसे रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया है, बिल्कुल भी जो है वो प्यास या भूख का किसी तरीके का एहसास नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ये था और करम खुदा का ये हुआ कि आज बारिश भी हो गई थी। इतना अच्छा इतना मौसम, सुनहरा मौसम हो गया था ना भाई, बड़ी ज़बरदस्त हवाएं चल रही थी और बारिश हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा करम हो जाता है रमज़ानों में तो बहुत अच्छे से हुआ है। उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से जो है करम होता रहे खुदा का और जो है इसी तरीके से रोज़े अच्छे जाते रहें, सारे रोज़े अच्छे से चले जाएं। ठीक, तो बस दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।